June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. ये जोड़ी है सुपरस्टार्स की जोड़ी, हिंदुस्तान की धड़कन है ये दो दिग्गज कलाकार। जब जब ये बड़े पर्दे पर आए, लोगों की लंबी कतारें अक्सर सिनेमा घरों के बाहर देखी गई। ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि ये बॉलीवुड में भी राज करते हैं। एक है शहनशाह तो दूसरे हैं बॉलीवुड के बादशाह। ये दोनों एक्टर्स नजर आ सकते हैं एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ। मेगास्टार अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान इकट्ठे काम कर सकते हैं डायरेक्टर आर बाल्की की अपकमिंग फिल्म में। इससे पहले ये दोनों कलाकार नजर आ चुके हैं फिल्म मोहब्बतें और फिल्म कभी खुशी कभी गम में। साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में दर्शकों ने इनकी तकरार और इनकी एक्टिंग को खूब सराहा। फिल्म मोहब्बतें ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया और ये फिल्म साल की सेकेंड हाइएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म साबित हुई। उसके अगले ही साल 2001 में एक बार फिर ये दोनों इकट्ठे बड़े पर्दे पर नजर आए फिल्म कभी खुशी कभी गम में। इस फिल्म ने सारे ओपनिंग रिकॉर्ड्स तोड़े। फिल्म पहले ही हफ्ते 13 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। तो आजकल 100 करोड़ पार करने की रेस में अगर ये जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर उतरती है तो अच्छे कलेक्शंस की उम्मीद की जा सकती है। और ये दोनों एक्टर्स की एक्टिंग तो वैसे ही इतनी लाजवाब है कि इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता है। इनकी केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि हम पहले एक मूवी देखें मोहब्बतें, तो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो सुपर हिट थी। तो हम चाहेंगे इनके दोबारा एक मूवी आए जिसमें ये दोनों इकट्ठे काम करें। अभी तक दो फिल्में इसकी मैंने देखी हैं, कभी खुशी कभी गम आई थी और एक मोहब्बतें आई थी। इन दोनों हीरोज़ की मेरे को डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है और मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि कोई फिल्म इनकी आए। और पहले भी इनकी दो फिल्में आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे ख्याल से काफ़ी ह्यूज सक्सेसफुल रही थी। तो फ्यूचर में भी हम यही चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ दोबारा देखें। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की काफ़ी 3 पिक्चर्स आ चुकी हैं, ठीक है। दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं, ठीक है, बहुत कैलिबर और पोटेंशियल है इनमें। तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। तो काफ़ी देर के बाद अगर कोई अच्छा ब्लॉकबस्टर मूवी आएगी तो ऑडियंस इज़ यू नो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रही है, कुछ नया देखने को मिलेगा। 5 साल हो गए अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की एक साथ की मूवी नहीं आई। हम काफ़ी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि उन दोनों की आपस में एक अच्छी सी मूवी आए जिसको हम अपनी फैमिली के साथ देख सकें। पिछले 5 साल से हम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म का वेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक फिल्म कोई आई नहीं है। उसी चीज़ को हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आनी चाहिए एक फिल्म, क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा चलता है। मोहब्बतें थी, हमने बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी देखी थी। पहले भी मैंने मूवी काफ़ी देखी हैं, जैसे मोहब्बतें देखी सी, कभी अलविदा ना कहना, कभी कभी गम देखी सी। तो दोनों एक्टर्स काफ़ी जो नो स्टार ने, अमिताभ बच्चन जी भी थे, शाहरुख खान जी भी काफ़ी अच्छे स्टार ने। तो ऐसे काफ़ी टाइम तो वेट करें कि कोई मूवी अच्छी आए, दो ब्लॉकबस्टर इकट्ठे हों, दो सुपरस्टार इकट्ठे हों, तभी मूवी देखने का काफ़ी इंटरेस्ट होएगा। जे उन दोनों की आएगी, शाहरुख खान से अमिताभ बच्चन की, तो सानू बहुत ही खुशी होएगी क्योंकि दोनों वधिया सुपरस्टार है। तो उनके नाल जा उन्होंने देखांगे तो बड़ा मज़ा आएगा सानू। इन दो स्टार्स की जोड़ी फिल्म भूतनाथ और कभी अलविदा ना कहना में भी देखी गई, मगर ये एक फ्रेम में इकट्ठे कम ही दिखे। आर बाल्की की फिल्म को लेकर अभी बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 साल बाद ये जोड़ी दोबारा बड़े पर्दे पर नजर आएगी और सिनेमा लवर्स को बिग बी और SR की जोड़ी को देखने का बेसब्री से इंतजार एक बार फिर रहेगा। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।